हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक्सर क्लासेस। और आप सभी के लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स की, लगभग 60% मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप तक की जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की है, चाहे चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, चैप्टर 4 आपके सिलेबस में आ नहीं रहा है जो कि पुअर्टी का है, तो मैंने इसलिए चैप्टर 4 पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ वो है चैप्टर 5, जिसको हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपको, आपके लिए जो मैंने स्पेशली जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मे बी आपको कुछ क्वेश्चंस आते भी होंगे। और जहाँ मैं बात करूँ रूरल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं आपसे गांव के विकास के बारे में बात कर रहा है। तो गांव के विकास कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं। पहली चीज़, अगर मैं गांव की बात कर रहा हूँ, रूरल की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं एग्रीकल्चर की भी बात करूँगा, ठीक है ना, खेती की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गांव के लोग क्या है, खेती पे ही डिपेंडेबल है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें सुधार करने के बारे में वो यही है। तो अगर मैं इसकी वीडियोज़ भी अगर आपको अपलोड कर दूंगा, तो बस फिर उसके बाद चैप्टर 4 से 5, 5वां चैप्टर ये हो गया, 6, 7, 8, मे बी 3 to 4 चैप्टर और रह जाएंगे, और वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी आपके जैसे कि आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अभी अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और ये जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा या आपको दिखाऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा, वॉट एवर कुछ भी कहते हैं से, वो आप अपनी कॉपी में नोट करना है। आंसर ऑलरेडी है, आप चाहो तो अपना आंसर लिखना, चाहो बुक से आप अपना आंसर लिख लो, वरना आप यहाँ के आंसर देख सकते हो। जैसे मैं तो कहूँगा भाई आप यही वाला आंसर लिख लो तो बेस्ट है। तो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, पहला क्वेश्चन यही बनता है, एंड ब्रिंग आउट द की इशू इन अ रूरल डेवलपमेंट। पहले तो आपको ये बताना है रूरल डेवलपमेंट होता है क्या है, और दूसरा वो कौन कौन सी इशूज़ हैं जो रूरल डेवलपमेंट में बाधाएं डालती हैं। चलिए पहले तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कंप्रहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकसेस ऑन एन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया देयर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड विलेज इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ये पूरा विलेज इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, कि इस तरीके से डेवलप करना उन एरियाओं को जहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साधन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ही आप देखिए, एग्रीकल्चर में ही वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही इजी और शॉर्ट में ही लिखी हुई है, ठीक है। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो गांव में एक तरीके से चाहिए होती है, चाहे वो बिजली पानी हो, ठीक है ना, रोड हो, वो सारी चीज़ें इसमें बोल रहा है एसेंशियली फोकस, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं, लिखा है ना, सम ऑफ द एरिया विच आर इन अ नीड फॉर अ फ्रेश इनिशिएट फॉर द रूरल डेवलपमेंट आर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए गांव में ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर डेवलप नहीं है, उनको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाई है, ठीक है ना, तो उनको शिक्षा देना है। और हेल्थ हो गया, एड्रेसिंग बोथ सिचुएशंस एंड पब्लिक हेल्थ, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अ लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी एंड एजुकेशंस वगैरह पे ध्यान रखना, जो कि हम इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। हॉनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ दी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ईच लोकेलिटी, और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप करना, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, क्रेडिट प्रोसेस हो, यानी बैंकिंग वगैरह की सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड कर। यहाँ 5 पॉइंट है, आप चाहो 4 पॉइंट लिख लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। और ये मैं पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट आप उसका जवाब दोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट। चलिए वो कौन सा स्टेप है जो गवर्नमेंट लेती है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट, ठीक है। तो गांव में मार्केट आपने देखा है जहाँ पे वो अपने फसल वगैरह क्रॉप्स वगैरह को क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेट मार्केट, ठीक है ना, मार्केट को पूरा चलाने का काम पूरा प्रॉपर तरीके से, मार्केट मतलब एस्टेब्लिश किया पहला काम, और वहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी
उसमें अब वो मार्केट में क्या क्या फंक्शन होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। क्या है जैसे स्टैंडर्ड वेट मेज़र कर देना कि भाई साहब क्या प्राइस होगा और कितनी क्वांटिटी तक यहाँ पर एक्सेप्टेड है। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ चे चार्जेस एंड फीस। देखो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए अगर आपको बता दें कि ये चार्ज फिक्स है तो हर किसान फिर उतना ही फीस पे करेगा जो फिक्स है। अदरवाइज कोई भी ब्रोकर आएगा और उससे कुछ भी कीमत चार्ज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं चाहे वो पार्टीज़ हो चाहे खरीदने वाला हो या ऑपरेट करने वाला हो वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ये तो पहला पॉइंट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी हो। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है जैसे रोड हो गया रेलवे हो गया। ये गवर्नमेंट क्योंकि मार्केट ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर अच्छे रोड हों ताकि बड़े बड़े जो ट्रक अनाज से भरे हुए होते हैं वो धंसे ना, ठीक है ना। दूसरा गोडाउंस वगैरह बनाए गए, वेयर हाउस बनाए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सुविधाएं दी गई, ठीक है ना। सी पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केट। अभी कोऑपरेटिव मार्केट क्या होता है, कोऑपरेटिव मार्केट इज अ मेजर ऑफ इंश्योर फेयर प्राइस टू फार्मर एंड मेंबर फार्मर सेल देयर सरप्लस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर सब्स्टिट्यूट कलेक्टिव बार्गेनिंग इन अ प्लेस ऑफ इंडिविजुअल बार्गेनिंग, ठीक है। यानी कोऑपरेटिव मार्केट बनाए गए जहाँ पर लोग मेंबर वगैरह बनते हैं ना, मेंबर बन के अब जैसे 10-15 लोग हैं उन 10-15 लोगों का मेंबर एक हो गया जिसमें एक मुखिया हो जाएगा और उसी के रिगार्डिंग जो फेयर प्राइस है आपको उस फेयर प्राइस दिलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप अकेले अगर मार्केट में सामान बेचने जाओगे तो फिर आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली अगर हम एक सोसाइटी के रिगार्डिंग बात करें तो आपको उस फेयर प्राइस ही मिलेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर जैसे फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने किया है। आप ये सारी पॉइंट्स चीज़ें आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से गवर्नमेंट कदम उठा रही है। ये बहुत ईजी है और आपको आसानी से समझ में आएंगी इस तरीके से मैंने आंसर यहाँ पे पुट कर रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको पता है ना पहले आप कह रहे हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि उस समय की बात अगर कहें कि गांव में क्रेडिट सिस्टम कहीं ना कहीं या बैंकिंग सिस्टम कह दो बहुत ही इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो क्यों नहीं हुआ है उसकी वजह क्या है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है सिंस 1969 व्हेन द नेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक टुक अ प्लेस रूरल बैंकिंग हैज़ एक्सपेंड द ग्रेट डील। और 1969 से रेजिंग फार्म एंड द नॉन फार्म आउटपुट बाय द प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट पूछ रहा है ना रूरल बैंकिंग इन अ प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया। देखो अगर ये चीज़ पहले कर देते तो क्या दिक्कत क्या थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लोग क्या कर रहे थे वहाँ के फार्मर लोग जो थे ना जमींदारों से क्या लेते थे, लोन लेते थे और बदले में वो इंटरेस्ट रेट हाई देते थे, है ना। और बैंकिंग का क्या प्रोसेस था, इतने सारे कागज़ वागज़ कंप्लीट करके दो और उसके बाद भी फिर आपको लोन ना मिले तो बंदा निराश हो जाता था। तो लेकिन यही वाली बात कह रहा, और ये शुरुआत भी कब हुई 1969, उससे पहले क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी, ठीक है। तो ये कह रहा है सिंस 1969 व्हेन द नेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक टुक अ प्लेस रूरल बैंकिंग, ठीक है, एंड एक्सपेंड द ग्रेट डील। उसके बाद रेजिंग द फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट बाय द प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। और वहाँ के चाहे वो फार्मर्स हो या नॉन फार्मर्स हो उनको प्रॉपरली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है ना। एंड प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन विद द बेटर रीपेमेंट ऑफ ऑप्शन। देखो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जैसे अगर मैं कहूँ अगर ज़मींदार से आप लोन लेते थे तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता था, लेकिन अगर वही आप जो है
किससे लेते थे, बैंक से लेते थे, तो एक फिक्स रेट होता है और कहीं ना कहीं आप जो है एक फिक्स अमाउंट के तौर पे करते हो, ठीक है। जनरेटिंग क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्कीम फॉर रूरल एरिया, ठीक है ना। क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो खुद का बिजनेस करना चाहते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने या बैंक ने कह दो कि बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। फिर कह रहा है अचीविंग फूड सिक्योरिटी विच इज़ द क्लियर फ्रॉम द अबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ अ ग्रेन। खैर आप ये वाली पॉइंट्स को आप समझना चाहो समझ लो। इसमें कह रहा है अचीविंग द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कहीं आप फार्मर को लोन दोगे तो वो ज़्यादा बीज वगैरह खरीदेगा, सीड्स वगैरह ज़्यादा खरीदेगा, तो और वो ही चाहता ही है कि भाई उसके पास पैसे की कमी थी तभी तो वो कम खेती कर पाया। अगर वही उसे लोन मिल जाता तो वो ज़्यादा खेती करता, जिससे उसके पास बफर स्टॉक जो है अवेलेबल हो जाता ग्रेन का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। लिमिटेशन, अच्छा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है ना, बट क्या है ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और कहीं ना कहीं बच्चे देखते नहीं हैं, लेकिन उनको क्या पता यार कि अगर किसी चीज़ को अच्छे से देखने के लिए तो कहीं ना कहीं वक्त चाहिए होता है। अब आप चाहते हो कि मैं आधे घंटे में पूरी चैप्टर्स की समरी आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, तो बेटा कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऐसा कर सके, ठीक है, वो भी कहानी ऊपर ऊपर से ही बताएगा। बट मैं तो आपको यहाँ समरी नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें से आपके कुछ ना कुछ फंसेंगे। और दो दो क्वेश्चन भी नहीं है, हर एक चैप्टर से भी अगर मैं पाँच क्वेश्चन लेता हूँ इसका मतलब है उस पूरे समरी को मैंने पाँच क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। तो कहाँ फंसे हैं अभी बताओ, कहाँ ना फंसे, मैं कह रहा हूँ कहाँ, ठीक है ना, क्यों नहीं फंसेगा। एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी मैं चेक करूँगा कि कोई अगर एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी मैंने अपने जो भी ऑफलाइन बैचेस थे उसमें ऑलरेडी लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन भी इसको प्रोवाइड कराऊँ, बट खैर मैं सोच रहा हूँ पहले बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसके तरफ। उसके बाद अगर मैं इनकी लिमिटेशन की बात करूँ तो लिमिटेशंस तो इतनी सारी है कहने की बात नहीं, लेकिन मैं दो ही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिमिटेशन के लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा जो है ना लेंथी नहीं आएगा, इसलिए इस चीज़ को देखना है। कह रहा द सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आर द इंडिक्वेट टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन मनी लेंडर। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था जिस वजह से वो मनी लेंडर के पास ही फिर जाके लोन लेते थे। तो कहते थे ना कि कुछ भी चीज़ें ऑन पेपर वर्क अलग चीज़ होती है, जब आप उस चीज़ को रियल लाइफ में करोगे तो चीज़ अलग होती है। फिर कह रहा रूरल डेवलपमेंट इज़ या रूरल बैंकिंग इज़ सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर ड्यूज या डिफॉल्ट रेट। अब जैसे कहीं ना कहीं देखो किसान की भी कोई गलती नहीं होती, किसान ने खेती की, बाढ़ हुआ, बाढ़ के वजह से जो है ना नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करे, अब उनके पास तो पैसे हैं नहीं, तो इस वजह से फिर क्या हो जाता है वो उन पर बैंकिंग पे इतने सारे क्रेडिट जो है ना उधार रह जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन सब ऑब्स्टेकल्स दैट द हाइंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, वो कौन कौन से डिफेक्टिव यानी लिमिटेशन थी, ठीक है ना, जो कि कह दो कि एग्रीकल्चर मार्केट के रिगार्डिंग थी। तो डिफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट आर ये डिफेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल्स का मतलब यही होता है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट, सिंपल सी मीनिंग। तो पहला इंडिक्वेट वेयर हाउस, वेयर हाउस नहीं था भाई साहब, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडल मैन बहुत सारे थे, ठीक है ना, मेल प्रैक्टिसेस ऑफ अंडर अनरेगुलेट मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं था, कोई भी इसमें साहूकार बड़े बड़े अपने हिसाब से चलाते थे, ज़्यादातर मिडल मैन ही इसको चलाते थे। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, फाइनेंस की भी कमी थी, ठीक है ना, ये मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इंडिक्वेट मीन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक नहीं था। तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लो और जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए उस हिसाब से दो दो लाइन हर एक के एक्सप्लेन कर देना, और मुझे पता है कि आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट आर दी अल्टरनेटिव चैनल अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गिव द टू सम एग्जांपल। तो ये कुछ चैनल्स हैं, ठीक
ठीक है ना, जिसके रिगार्डिंग हम अल्टरनेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे अपनी मंडी जो कि कहाँ अवेलेबल है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, आप यहाँ पर आके बेच सकते हो, ठीक है ना। फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर, तो एक है अपनी मंडी, एक है हादसपुर मंडी जो कि पुणे में है, आप यहाँ पे बेच सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। उजार सैंडीज यानी तमिलनाडु, कुछ ये इतने सारे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप आराम से फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह जो है बेच सकते हो, ठीक है ना। तो मे बी ये कुछ चैन है, आप यानी आप अपनी मार्केट यानी आप जिस स्टेट में हो, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अगर आप वहाँ नहीं बेचना चाहते हैं तो आप अपने इन एरियाज़ में बेच सकते हो, ठीक है। और बेचते भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बेचते, बेचते हैं, ठीक है। लोग आते हैं अपना ट्रक भर के आते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में उतारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन। लो जी, गोल्डन रिवोल्यूशन क्या है, आपको पता है बहुत रिगार्डिंग बात है ना, ठीक है ना। गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में आपको, अब हर बार आपको अगर पता चले वो आप एक ही ग्रीन रिवोल्यूशन रट के बैठे हुए, ठीक है ना, बट गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन अलग चीज़ है, गोल्डन रिवोल्यूशन अलग चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको क्वेश्चन को जो है पॉज करके आप जो है इसका प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। इसका जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड हनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी इनकी चाहे हनीज हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गोल्डन रिवोल्यूशंस लाया गया। कब लाया गया, क्यों लाया गया, वो सारी चीज़ें बात की है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, मैं ये बस बताना चाहता हूँ उसको, ठीक है। मे बी आप इसे नोट कर लोगे अपनी कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंस एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी या हेल्थ हॉर्टिकल्चर सम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जो भी फार्मर्स है जो खेती करते हैं उनके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होने चाहिए, या डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है वो आप जो है खेती के अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, ठीक है, फिशरिंग कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, आपने ले लिया हो गुड, या वीडियो पॉज करके आप ले सकते हो। और फिशरीज आप कर सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप हॉर्टिकल्चर का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आपके ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इससे क्या होगा, आप जो है एक साथ दो दो काम अलग अलग डिफरेंट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि खेती में इतना ज़्यादा नहीं है सकते, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो इन सारी चीज़ों पे। और अगर आप दोनों साथ में कर रहे हो तो यार सोने पे सुहागा वाली चीज़ है, जो आप आराम से चीज़ को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई दी बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको एडवांटेज, पहले तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आप अपने बुक से नोट करिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की मीनिंग, ठीक है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कि ये कह रहा है इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जैसे जो केमिकल्स वगैरह वाले खाद खरीदते हैं उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, जब आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो प्योर आप कह दो कि नेचुरल तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना, कोई आप जो है प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है और आपको फ्रेश चीज़ इसमें मिलती है। तो ये ऑब्वियसली यानी अगर आप जो भी खेती कर रहे हो वो नेचुरल वे में कर रहे हो, खाद भी डाल रहे हो तो नेचुरल खाद है, केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में ये पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक के। और उसके बाद आपका ये भी है, टोटल 5 पॉइंट है, आप इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी लिमिटेशन ये है कि इसे ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है ना फार्मर चाहता फटाफट ग्रो हो और मार्केट में बेच सके, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मे हैव अ शॉर्टर सेल्फ लाइफ, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने में ही
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वे नॉट टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या लिमिटेड ऑफ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, ठीक है ना, ऑफ सीजमंस जो भी है। तो आप इस पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए वीडियो 20 मिनट की हो गई जबकि मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाया है। तो ये एक या एक घंटे में या हाफ घंटे कहीं ना कहीं आपको ये पूरी चीज़ समझ में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने आपके लिए ये प्रॉपर तरीके से वीडियो जनरेट किया था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और इस पर ऑलरेडी मैंने चैप्टर भी पे वीडियोस बना रखी है, तो अगर आपको और डिटेल में इस चीज़ को सीखना है तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन खैर टाइम बहुत कम है तो ये समझाने का टाइम तो रहा नहीं, बस आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो कि बेनिफिट रहेंगे, और इसी को आप पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए। और यार कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, इनको बढ़ाने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी ये वीडियोज़ जो है प्रोवाइड कराइए, और उनसे भी कहिए कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं इस चैनल पे, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।